हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जुनैद खालिद ऑफिशियल। तो यार आज के सीन्स ऐसे हैं कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में फन गाला है और उसी के साथ साथ सोसाइटीज़ की ओपनिंग जो है ओर्थ टेकिंग सेरेमनी है। तो बस आज का व्लॉग इसी चीज़ के ऊपर है। कल भी जो थी फन स्पोर्ट्स गाला की ओपनिंग, उसके अंदर भी हम लोगों ने व्लॉग शूट करना था, बट गर्मी इतनी थी और पिछले दो हफ्तों से तबीयत ऐसी हुई हुई है। कल रात को भी 10 बजे यूनिवर्सिटी से वापस घर गया हूँ, डेकोरेशन में काम कर रहे थे तो वो प्रॉपर हो नहीं सका, बट स्टिल बनाया है। तो आई गेस वो वीडियो मैंने पहले डाली होगी, उसके बाद ही ये वीडियो आएगी जब भी मैं डालूंगा। सो ये है कि पहले जाके उसको देख लो, उसको इन्जॉय कर लो, उसके बाद फिर इस वीडियो के ऊपर आओ जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखी। सो देखते हैं यार आज का दिन कैसे होता है, कैसे गुजरता है। So, let's start the vlog. Tell me like a Hellcat. तो हियर वी आर यार, बस पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी और होप सो यार दिन अच्छे हो जाए आज। लेट्स इवेंट और ये भी सारे यार काम काम लगा है। वो ग्राउंड पीछे नजर नहीं आ रहा होगा, वहीं जाके देखते हैं उसमें क्या चीजें हैं। तो यार बस पहुंच आए हैं, बीच में कुछ अरेंजमेंट्स वगैरह थी उस वजह से व्लॉग बना नहीं सका। तो ये है कि बस अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस स्टार्ट होनी है ओथ टेकिंग की, उसके बाद ओथ टेकिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी कुछ बच्चों को बाहर भेजा हुआ है डिनर वगैरह के लिए और ऊपर ले आए वहाँ पर। तो बस फिर होप्स हो गया इवेंट ऐसे जाएगा और उसके बाद फिर स्टॉल्स वगैरह वहाँ के भी हम लोग काम कर रहे थे, तो बस इस वजह से थोड़ा सा हो गया बीच में, सब काफ़ी ज़्यादा जो है पार्ट है वो स्किप हो गया, वो बना नहीं सका। बट ट्राई करूँगा कि जो इवेंट अंदर हो रहा है उसकी वीडियो मिल जाए ताकि उसको मैं ऐड कर लूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली और मैजिक नहीं होगा। किस लैब में रखी हुई चीज़ें, किस लैब में चीज़ रखी हुई है? ये भी रखवा दो। हाँ तो बस फिर ये है कि देखते हैं, होप्स हो बन जाएंगी चीज़ें। और एटलीस्ट प्रॉपर हर चीज़ का नहीं हो सकेगा, ये जस्ट ये जो काम कर रहे हैं इस वजह से, बट ये है कि हो जाएगा, काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो फिर अभी इवेंट के दौरान ही मिलते हैं, बाकी थोड़ी सी चीज़ें देख लें। ओके Oh, oh, oh.
इनकी सोसाइटी बनी अभी मैं 15-20 दिन हुई, इन्होंने आपको ये गैलरी आपने इनको दे दी है, मेंटेन भी करेंगे, एहसास भी करेंगे, यहाँ पे हम और भी दूसरों के इस्लामाबाद वहाँ के यहाँ पे हम शोज भी करेंगे, बहुत ज़रूरी है इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि जिंदगी अहम है, तो ये जिंदगी में क्या बात मैं तो ये देखकर हैरान हो रहा हूँ कि हमारे करीब करीब इतने खौफनंद लोग, ऐसे खूबसूरत लोग, ये अंदर से खूबसूरत होते हैं, ये शायर अदीब मुसव्वर फनकार, ये अपना अंदर जो है वो बाहर उनके अंदर से फूटता है सब, कैसी कैसी खूबसूरत चीज़ें, और जैसे ये कहीं पर जाकर ना अल्लाह की सिफात में भी शामिल होने की कोशिश करते हैं कि वो तकलीफ का कार है, कहीं कहीं पे ये तकलीफ कर देते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा शौरा, ये अल्लाह के शागिर्द हैं, ये तकलीफकार जो है अल्लाह का शागिर्द है, तो मैं अली मैंने चौपारे देखे, मैं बाकी बहुत हैरान हुआ, मैं बड़ा मुतासर हुआ, तस्वीरें है आप जैसे होते वैसी आप रसोई बनाते हैं, अगर मैं यहाँ ये चार तस्वीर लगी है ना, अगर मैं इन बच्चों से कहूँ कि इन पर कहानी लिखें, तो ये कहानी वो लिखेंगे जैसे ये हैं, इनकी जैसी शख्सियत है ये वैसी कहानी लिखेंगे, तो ये इतना खूबसूरत इजहार मैं देख रहा हूँ कि, तो फिर इसमें तजरी एब्स्ट्रैक्ट पर देख रहा हूँ, इस उम्र में अगर बच्चे और बच्चे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में इतने महारत रखते हैं। मैंने एक बच्ची से पूछा, वो तस्वीर उसने भी मेरे अंदर उसकी तस्वीर बना ली, मैंने पूछा कि आप इस तस्वीर में क्या कहना चाहते हैं, वो बड़ी मुझे बहुत पसंद आई, वो कहने लगी कि इसमें मैं कहना ये चाहती हूँ कि एक लड़की एक खातून बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं, और बिल्कुल वो ऐसा था कि एक बच्ची है उसकी तस्वीर है और साथ एक बूढ़ी है जो पिंजरे में पढ़ते हैं, तो मैं कहता हूँ खूबसूरत इनको ज़रूरत थी और आपने जो एहतमाम किया है ये होना चाहिए, तो ये अब ज़रूरत ये समझ गए कि ये दरियाफ्त तो हो गए, अब इनको फारिश करने का मरला है, वो बाकी है, मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात कहता हूँ। नामी ग्रामी लोग हैं और जिन्होंने सिर्फ फन के लिहाज से कंट्रीब्यूट किया, उनकी अगर इनको रिजाई रहेगी और गाइडेंस रहेगी तो इंशाल्लाह इस यूनिवर्सिटी को भी पाकिस्तान की नंबर वन यूनिवर्सिटी बनाई जाए, हमारी खुशी है, और इन बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जहाँ से ये टेक ऑफ कर सकते हैं और ये दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और मैं इतना मुतासर हूँ मैडम की मेहनत का, इन बच्चों की मेहनत का कि इनको सोसाइटी बने हुए 15 दिन भी नहीं एंड देयर रीच है, तो वेल डन एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।